ये वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं, जहां मैं आपसे ये बताऊंगा कि आप क्लास 10th में कंप्यूटर साइंस में 100 मार्क्स कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में 100 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वो कुछ पॉइंट्स क्या हैं? पहली बात तो ये है कि एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसको हम एक दिन में 2 दिन में तैयार नहीं कर सकते हैं। लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आपको इसको भी रेगुलरली पढ़ना होगा। आपको वीकली में एक टाइम शेड्यूल चाहिए जिसमें आप कम से कम 3 दिन आप इसको जरूर दें, जिसमें आप सेल्फ स्टडी करेंगे और पूरे वीक में आपने क्या क्या पढ़ा है उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, चैप्टर वाइज थ्योरी प्रिपेयर करेंगे, प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये आप इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते, जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो मैं कंप्यूटर को उठाऊंगा और याद कर लूंगा। याद करने से तो काम होना ही नहीं है, क्योंकि आप कितना याद कर सकते हैं कि एक लिमिट होती है। और यहाँ पे फिर लॉजिकल सब्जेक्ट है, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूम गया तो आपका याद किया सारा बेकार हो जाता है। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज तो आपको याद करने से हो सकती है, पर अंडरस्टैंडिंग आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, तो आप कैसे करें तैयारी, एग्जाम में कैसे करना है वो एक अलग चीज है। पहले आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है वो मैं बाद में बात करते हैं। तैयारी करनी है आपको चैप्टर वाइज पहले, ठीक है। किसी भी चैप्टर को लाइन से शुरुआत से उठाना है। अगर आप आज से तैयारी करना शुरू करना चाह रहे हैं तो आप पहले चैप्टर से शुरू करें, ठीक है। पहले चैप्टर में थ्योरी है, चैप्टर की एक्सरसाइज है पीछे दी हुई, सारी एक्सरसाइज को करेंगे और लिख के करेंगे। रजिस्टर बनाइए, उसमें लिखिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशन है, क्योंकि जब पेपर आएगा थ्योरी का एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो कोई भी छोटा सा वर्ड भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई सिंपल सा ऑपरेटर है उसमें कोई भी क्या रोल हो सकता है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व करना है, याद रखना है, ठीक है। कौन सा कीवर्ड क्या करता है, किस चीज का क्या सिंटेक्स है, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है, किस तरह की वैल्यू रिसीव करता है, इस पर्टिकुलर एरे को डिफाइन करने का क्या सिंटेक्स है, आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए। इसको यूज कैसे करना है ये पता होना चाहिए। तो यूजेस के बेस पे क्वेश्चन हो सकते हैं, सिंटेक्स के बेस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको हर चीज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और किसी भी प्रोग्राम को कैसे लिखना है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन मुझे तैयार करने चाहिए, ठीक है। तो एक तो कैटेगरी आ गई जहां पे लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, जिससे वेरियस डेफिनेशंस आपको पता है, कीवर्ड्स पता है कि इन कीवर्ड का क्या रोल होता है। दूसरा अपोजिट क्वेश्चन आते हैं जिसमें मुझे ये पर्टिकुलर काम को करने के लिए कौन से कीवर्ड की जरूरत पड़ती है या कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जावा के फीचर्स क्या है, जेवीएम क्या है, ऊप्स क्या है। तो ये पहले कुछ 2-2 मार्क्स से 10 क्वेश्चन है, जहां डिफरेंसेस, वेरियस डिफरेंसेस पूरे सिलेबस में आप देख लीजिए, कौन कौन सी चीजों के डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, किसके क्या रोल है। तो ये सारे आपने लिस्टिंग कर ली, आप एक एक पॉइंट को तैयार करते जाइए। चाहे तो आप सिलेबस उठा लें, सिलेबस में से देख लीजिए कि आपको ये टॉपिक तैयार हो गया, ये हो गया, मार्क करते जाइए एक लाइन से कि आपका तैयार हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जिसमें कि क्वेश्चंस आते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में क्या होता है कि आपको दिया जा सकता है कि ये इफ से लिखा हुआ है कोड, इसको स्विच से कैसे लिखें, ये टर्नरी से लिखा हुआ है इसको इफ से कैसे लिखें, यानी ये लूप जो है वो फॉर लूप है इसको व्हाइल से कैसे लिखना है, कन्वर्ट करना किसी एक चीज को दूसरे तरीके से, या किसी एरे दे रखी है, एरे को डिक्लेयर कर रखा है, फिर आपसे पूछ लिया कि ये एलिमेंट की वैल्यू क्या है, ये एरे ऑपरेशन पे एक छोटा सा आउटपुट का क्वेश्चन। तो आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको याद करने के साथ अंडरस्टैंडिंग काम आती है, ठीक है। राइट द प्रोटोटाइप फॉर द फंक्शन विच इज डूइंग दिस और ये वो, तो इस तरह के प्रोटोटाइप लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको पता प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप तो पता ही होना चाहिए क्या होता है, फिर कैसे लिखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। तो ये सब तैयारी आपकी कैसे होगी, ये तैयारी के लिए आपको हर चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज दे रखी है वो करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज में 2-2 मार्क्स के आउटपुट के क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन हर दिए होते हैं, और साथ में ये भी मेंशन रहता है
कि आप ये क्वेश्चन किस ईयर में है, तो आपको उससे एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। इसके सिवा केवल आपके पास एक टेक्स्ट बुक है, आप उस पर रिलाई पूरी तैयार कर लीजिए पहले, उसके बाद अदर रिलायबल सोर्सेस को भी आप रिफर कर सकते हैं, ठीक है। पर रिफर करने में केवल रीडिंग नहीं करनी कि इसमें सॉल्व दिया हुआ तो आपने सॉल्यूशन को पढ़ लिया। प्लीज डू सॉल्व यू ऑन योर ओन देन रिफर टू द सॉल्यूशन, कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है, और कहीं डाउट है तो अपने टीचर से उसको डिस्कस जरूर कर लें। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बबल सॉर्ट करा, ठीक है, टीचर ने आपने पढ़ाया, आपने देखा बुक में कहीं कुछ और लिखा हुआ है, तो प्लीज उसको डिस्कस जरूर कर लें। हो सकता है कहीं आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं वो सोर्स गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीजों को, जहां पे मिसमैच मिल रहा है, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, आपने जो सीखा है और बुक से बहुत ही अलग है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, प्लीज कॉन्टेक्ट योर टीचर, वो आपकी पूरी मदद करते हैं, क्योंकि सबको अपने बच्चों के अच्छे नंबर चाहिए रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने जब प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करते समय प्रोग्राम की प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक है। प्रोग्राम भी आप लगाएंगे, हर तरह के प्रोग्राम लगाएंगे, तो किस तरह के प्रोग्राम की आप प्रैक्टिस करें, बोर्ड के पेपर में किस किस तरह के प्रोग्राम आते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन आएगा जो क्लासेस ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, जिसमें फंक्शन मेंबर डेटा होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टर वाला। सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मली कंस्ट्रक्टर का ही पूछा जाता है प्रोग्रामिंग सेक्शन में, जहां आपको 6 प्रोग्राम दिए हैं, 6 में से आपको 4 प्रोग्राम करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने फंक्शंस वाले प्रैक्टिस कर लिए। दूसरा, ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम लगभग हर साल आता है, जिसमें कभी सीरीज होती है, कभी फॉर्मूला बेस्ड होता है, कभी कुछ पैटर्न होते हैं। तो सीरीज बेस्ड और पैटर्न्स, इन प्रोग्राम की प्रैक्टिस जरूरी है। फिर आपको कुछ प्रोग्राम आते हैं नंबर बेस्ड, ठीक है, डाइजेरियम नंबर क्या होता है, प्राइम पैलिंड्रोम, जो आपने कई तरह के नंबर क्लास से पढ़े होंगे, तो आपको सारे तरह के नंबर को चेक करना आना चाहिए, क्योंकि केवल ऐसा नहीं कि वो मीनू ड्रिवन प्रोग्राम में आ सकता, हो सकता है उसके लिए फंक्शन वाले चैप्टर से फंक्शन बनाना आ जाए, तो आपने देखा ही होगा जब आपने पढ़ाई की है। फिर एरे पे एक क्वेश्चन आएगा, है ना, एरे के बेसिक ऑपरेशन है आपकी बार बबल सॉर्ट है कोर्स में, और लीनियर सर्च है, तो ये दोनों तो पढ़ेंगे, पर बेसिक ऑपरेशन एरे में कैसे फिल करते हैं, एरे से कैसे रीड करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे एरे के। एरे बेस्ड एक प्रोग्राम और एक स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने मीनू ड्रिवन प्रोग्राम तो अपने डिस्कस कर लिया, तो किस किस कैटेगरी के प्रोग्राम आ रहे हैं, तो हर चैप्टर से लगभग आप सोचें तो हर चैप्टर प्रोग्रामिंग में कवर जरूर होगा। ऐसा नहीं कि कोई सोचे कि मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ के चला जाता हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप घर में ही छोड़ देंगे, यानी एग्जाम में आपने सपोज किया कि आपने कहा स्ट्रिंग का प्रोग्राम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं स्ट्रिंग नहीं पढ़ूंगा, पर वहां पे एग्जाम में आपके पास चॉइस है 6, एक आपने घर में ही ऑप्ट कर ली, तो आपके पास 6 में से 4 करने के बजाय 5 में से 4 हो गए, ठीक है। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस समय आपको चॉइस नहीं लेनी है, ठीक है। अब आपने सारी तैयारी कर ली, अब आपका प्रैक्टिस का टाइम है, तो आपने प्रैक्टिस के लिए क्या यूज किया, कोई प्रैक्टिस पेपर आपने यूज कर लिए, ठीक है, नेट पे अवेलेबल है, आपने बुक ले रखी है, ठीक है, आपके टीचर ने कुछ प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते समय प्रैक्टिस को टाइम बाउंड रखें, और जब प्रैक्टिस करें तो उसमें 6 के 6 प्रोग्राम प्रैक्टिस करें, एग्जाम में 4 करने हैं, घर में आप 6 के 6 प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करके उसको किसी से चेक जरूर करा लें कि उसमें क्या मिस्टेक है, और अगली बार उस चीजों को ध्यान रखें कि इस पिछली बार मेरे से इस तरह की मिस्टेक हुई थी, तो मुझे वो रिपीट नहीं करनी है। और इन सब बातों में एक पॉइंट में बताना भूल गया कि जो 15 नंबर का प्रोग्राम है उस पर 13 मार्क्स का प्रोग्राम होता है, 2 नंबर का वेरिएबल डिस्क्रिप्शन और कमेंट होते हैं, तो कमेंट लिखने का बात जरूर ध्यान रखें, बच्चे भूल जाते हैं, तो अगर आप भूल गए कमेंट लिखना या वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना, तो 4 प्रोग्राम में मिला के आपके 8 नंबर का नुकसान होगा। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 6 के 6 प्रोग्राम आपने प्रैक्टिस कर लिए, चेक करा लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपके हर तरह के प्रोग्राम जो एग्जाम में आने वाले हैं वो आपकी प्रैक्टिस हो गए, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम जब आप दे रहे होंगे तो आपको मिलते हैं 135 मिनट, 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, 120 मिनट का राइटिंग टाइम है, 15 मिनट आपको बहुत वाइसली यूज करने हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे
कौन से छह में से चार प्रोग्राम आप करना चाहते हैं। उन छह में से चार का प्रोग्राम को चूज करने के बाद आप उन क्वेश्चंस में देखिए कौन कौन से पॉइंट्स इसमें पूछे गए, क्या क्या डिस्प्ले कराना है, क्या इनपुट कराना है, कैसे प्रोसेस करना है, जो जो क्वेश्चन में कहा गया वो सारी बातें आपको अंडरलाइन की, ये चीजें हमें इस प्रोग्राम में जरूर देखनी है। और अपने मन से जबरदस्ती मेंटल सोच सोच के उसमें चीजें मत डाल दीजिए कि अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, तो अगर ऐसा वैसा पूछा होता तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहता, ठीक है। तो बच्चे कुछ जबरदस्ती क्वेश्चन को अपने लिए खुद ही डिफिकल्ट बना लेते हैं, तो वो काम नहीं करें, कितना पूछा गया उतना ही करना है, ठीक है। तो आपने चार प्रोग्राम डिसाइड कर लिए, अब आप जब करेंगे, क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी तो आपको आइडिया रहेगा तो कि आपका टाइम पे प्रोग्राम सारे और पेपर पूरा खत्म हो जाए। तो थ्योरी पार्ट में भी आपने सब कुछ रीडिंग टाइम में सिलेक्ट कर लिया था, तो आप करते समय क्वेश्चन वन के सारे पार्ट एक साथ, क्वेश्चन टू के सारे पार्ट एक साथ, किसी क्वेश्चन के सारे पार्ट एक साथ एक ऑर्डर में करिए, नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करिए और कटिंग बिल्कुल ना करें। और जो क्वेश्चन है आउटपुट वगैरह डिस्प्ले करने का, जहां कोई भी वर्किंग है, तो वर्किंग को रफ पेपर में नहीं करना है, वर्किंग को वहीं पे दिखाना है जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने कैसे निकाला, आउटपुट आपको कैसे आया, ठीक है। तो वर्किंग को भी वहीं दिखाना है, ठीक है। प्रोग्राम को करते समय भी आप ध्यान रखेंगे कि सिंपल से सिंपल लॉजिक जो हो रहा है उसको यूज करें, जबरदस्ती इसको कठिन बनाने की कोशिश नहीं करिए। और अगर आप बिल्कुल मन लगा के रिवाइज करते रहते हैं, आपने पूरे सिलेबस को ध्यान से किया हुआ है, आपने 10-15 पेपर प्रैक्टिस कर लिए हैं, लिख के एक रजिस्टर बना लिया है, तो आपको एग्जाम आते समय एग्जाम से पहले रिवीजन करने में भी आसानी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, ठीक है। तो आई होप यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर दिस टुडे ओनली एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।